हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी विद सिद्धू। अज मैं डिस्कस करांगी कि अपने लाइक पीटी दे विच एक्सेंट मैटर करता कि नहीं मैटर करता, लाइक स्पैलिंग्स नहीं गे वो मैटर करते कि नहीं मैटर करते, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने की प्रॉब्लम होंगी आ, उन्होंने एवं इशू हों भी अपना की है पीटी दे विच एक्सेंट की आ कहे मैटर करता वा स्पैलिंग, ठीक है, लाइक अमेरिकन दे अकॉर्डिंग, अमेरिकन लैंग्एज दे अकॉर्डिंग जां ब्रिटिश लैंग्एज दे अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना किदा लिख सकते हैं। मैं वो अच्छा सारी वीडियो की है डिस्कस करांगी फर्दर, ठीक है। मैं एक लाइक डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक की है शेयर करूँगी, जो मेरी है ग्रामर वीडियोस पाइया ने गियाँ रीडिंग दे रिलेटेड, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन दे विच की है ऐड कर दूँगी, तुसी वो जाके तुसी की है देख सकते हो ग्रामर दियाँ वीडियो फॉर पीटी रीडिंग, राइट। सब तो पहला की आ कई दा किदा वा, कई ब्रिटिश एक्सेंट कई दा हैगा, कई दा की आ अमेरिकन हैगा एक्सेंट, ठीक है, इदा की स्पीकिंग दे विच एक्सेंट की आ मैटर नहीं करता गा, तुसी कुछ भी एक्सेंट की अपना यूज कर सकते हो, राइट। कई स्टूडेंट्स उसे देखे होणगे जिद्दां कोई पंजाबी जिन्हां नूं कि इंग्लिश इन्नी ज़्यादा भी नहीं आती गी, वह भी की आ 90 अचीवर्स हैगे ने, ठीक है, वह भी 90 बैंडस की आ स्कोर की अचीव करते हैं गे पीटी दे विचों। सो एक्सेंट की आ बिल्कुल मैटर नहीं करता, तुसी कोई भी एक्सेंट की आ यूज कर सकते हो पीटी दे विच, इदा नहीं है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करना जां अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करना है, ठीक है। सो की आ जो थोनों कंफर्टेबल लगता, जिमें तुसी की आ स्पीक कर दो जिदा तुसी बोलते हो नॉर्मली पंजाबी हिंदी, ठीक है, उदा ही की अपने पीटी करके आओ, उदा ही स्पीकिंग की आ करके आवो, ठीक है। सो की आ दूजा एक्सेंट नूं की आ इमीडिएट ना करो, कॉपी ना करो, जिदा तुसी कंफर्टेबल हैगे हो, जिदा तुसी पंजाबी नॉर्मली बोलते हो, ठीक है, वो ही अपना एक्सेंट की आ रखो। सो की आ एक्सेंट नूं चेंज ना करो, राइट। जिमें थोड़ा एक्सेंट हैगा जो भी हैगा उनूं की आ सेम रखो, कॉपी ना करो दूजा का एक्सेंट, जो दूजा का एक्सेंट तुम कॉपी करते हो, ठीक है, तो फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के प्रॉब्लम आती है, थोड़े स्कोरस की आ घट जाते हैं। सो अपना एक्सेंट की आ ना चेंज करो। स्पैलिंग कई कहेंगे स्टूडेंट स्पैलिंग मैटर करते हैं पीटी दे विच कि नहीं, जी आप मिसपैल करते हैं, ठीक है, जी आप गलत वर्ड्स नूं लिख के आने लाइक राइट फ्रॉम डिक्टेशन दे विच, ठीक है, लिसनिंग दियाँ ब्लैंक्स हो गई, ठीक है, उन्होंने जो आप स्पैलिंग मिसपैल करके आने, रोंग स्पैलिंग्स लिख के आने, ठीक है, फिर अपने की आ मार्क्स की आ कट होंगे ने, राइट। जो आप गलत स्पैलिंग गलत लिख के आने फिर अपने मार्क्स की आ कट हो जाते हैं, ठीक है। सो की आ इदा का कोई मैटर नहीं, तुम की आ अमेरिकन एक्सेंट अमेरिकन लैंग्एज के अकॉर्डिंग या ब्रिटिश के अकॉर्डिंग कोई भी की आ अपना स्पैलिंग की आ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कई अपने स्पैलिंग्स इदा देंगे, कोई अमेरिकन के अकॉर्डिंग आते हैं, कोई ब्रिटिश लैंग्एज के अकॉर्डिंग आते हैं, लाइक लिसनिंग दी ब्लैंक्स के विच राइट फ्रॉम डिक्टेशन के विच, ठीक है। मैं कुछ तुम्हें वर्ड्स दसूँगी, लाइक फर्स्ट हैगा वा सेंटर, ठीक है, ई आर, एक ही आ अमेरिकन के अकॉर्डिंग आ, अमेरिकन लैंग्एज के अकॉर्डिंग सेंटर पैंदा ई आर, ठीक है, एक पैंदा वा सी ई एन टी आर ई, ये तुसी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग पा सकते हो, ठीक है, दोनों सही नेगे, सेंटर ई आर भी पा सकते हो, आर ई भी पा सकते हो, ठीक है, थोड़ा की गलत नहीं जाऊगा, रोंग नहीं होगा, करैक्ट होगा, तुसी दोनों दे विच कोई भी एक की यूज़ कर सकते हो। नैक्सट हैगा वर्ड लाइक लाइसेंस, ठीक है, सी ई दे नाल जो होगा ये की आ अमेरिकन लैंग्एज के अकॉर्डिंग आ, ठीक है, ये की आ एस ई दे नाल होगा जो कि होगा ब्रिटिश लैंग्एज के अकॉर्डिंग आ, ठीक है। सो तुसी की आ दोनों ही यूज़ कर सकते हो, जां की आ सी ई यूज़ कर सकते हो, जां एस ई यूज़ कर सकते हो, ये रोंग नहीं होगा, थोड़ा नंबर की आ नहीं कट्टे जाएंगे, ठीक है, अमेरिकन या ब्रिटिश के लैंग्एज के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो उन्होंने मिसपैल ना करो, दोनों विचों की एक चूज़ आउट कर सकते हो। लाइक नैक्सट वर्ड हैगा कॉमन वर्ड कलर, ठीक है, सी ओ एल ओ आर, ये की आ अमेरिकन के अकॉर्डिंग आ, अमेरिकन लैंग्एज के अकॉर्डिंग कलर, सो तुसी कलर भी लिख सकते हो, एक ही हुंदा सी ओ एल यू आर, ये की आ ब्रिटिश लैंग्एज के अकॉर्डिंग, दोनों विचों कोई भी एक की तुसी लिख सकते हो, ठीक है, कलर ओ आर एंड सी ओ एल ओ यू आर। नैक्सट हैगा ऑर्गेनाइज, एक तुसी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं कई आते जट के नाल, ऑर्गेनाइज, ठीक है, वो की आ अमेरिकन लैंग्एज के अकॉर्डिंग आ, अमेरिकन के रिलेटड ने गे ऑर्गेनाइज, तुसी ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइज नू की आ
एस दे नाल भी लिख सकते हो। ठीक है, एक आ ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रिटिश दे विच की आ ऑर्गेनाइज एस ई लिखते ने गे, अमेरिकन दे विच की आ जेड ई। ठीक है, इदा के कुछ वर्ड्स ने गे थोड़े की आ मिसपैल ना करके आयो बट इन्हों। ठीक है, जो तुम इदा यूज़ करोगे दोनों विच एक यूज़ कर थोड़े मार्क्स की आ ऑबियस आने ही आने। फस्ट है सेंटर ई आर। ठीक है, अमेरिकन के अकॉर्डिंग तुम की आनू ई आर कर सकते हो, आर ई ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाइसेंस अमेरिकन दे विच की आ सी ई यूज़ हों, ब्रिटिश दे विच एस ई, दोने की आ करैक्ट ने गे। ठीक है, नैक्सट है कलर, तो कलर दोने ही करैक्ट ने अमेरिकन दे ब्रिटिश दे अकॉर्डिंग, तो दोनों विचों कोई भी एक की आ यूज़ कर सकते हो। इदा इदा कोई फैक्ट नहीं होगा, कोई नंबर मार्क्स थोड़े कोई नहीं कट्टे जाएंगे, बट तुम जो गलत लिख के आओगे मिसपैल करके आओगे थोड़े फेयर मार्क्स की आ कट्टे जाते हैं, अदरवाइज नहीं। कई स्टूडेंट 79 प्लस भी आते हैं, उन्होंने विचों की आ स्पैलिंग उन्होंने की आ लो आते हैं मार्क्स। ठीक है, बट इदा कुछ मैटर नहीं ज़्यादा करता। ठीक है, सो थैंक यू। जो वीडियो लगी वधिया लगी लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करना। थैंक यू।